हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस गाइड। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसएसबी की वो क्वेश्चंस। मैं आपको 10-11 ऐसे 11 क्वेश्चंस वो बताने जा रहा हूँ जो अक्सर एसएसबी में आपसे पूछे जाते हैं। जो छात्र अभी 2021 का जो एनडीए का सेकेंड पेपर हुआ था उसमें जिसका लग रहा है कि क्वालिफाई कर देंगे, जिसने अभी तक आंसर की चेक नहीं की है, वो हमारे नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं और वहां से आपको आंसर की आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी और आप उससे मिलान कर पाएंगे। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.missionnda.com पर जाके वहां से भी आप आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे और अपना मिलान कर सकते हैं। तो एसएसबी में कौन से ऐसे 11 क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाएंगे जो आपको उनके जवाब पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपने अपने बारे में पूरी एक उसके बारे में तैयारी कर लेनी चाहिए इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन लगभग सभी से पूछा जाता है और अपने बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आपको ये बोले कि अपने बारे में आप आधे घंटे तक मतलब 30 मिनट्स तक आपने जवाब देना, तो इतना अपने आप को इलेबोरेट कर लो कि आपको 30 मिनट्स बोलने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ सोचना ना पड़े, क्योंकि आप अपने बारे में सबसे ज्यादा अपने बारे में जानते हैं। अगर हम अपने बारे में ही नहीं जानेंगे तो और अपने समाज के बारे में, अपने कंट्री के बारे में, अपने लोगों के बारे में, इसके बारे में कैसे जान पाए। तो यहाँ से ये पता लगता है कि कितना आप अपने वो आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स, आपका बर्थ प्लेस, उसमें सब चीज आपसे रिलेटेड आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है और ये पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस। आप डिफेंस फोर्स में ही क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास बहुत है। आपके पास आईआईटी का चांस था, आपके पास कुछ बच्चों के पास नीट का चांस होता है, कुछ बच्चों के पास सिविल सर्विसेज का होता है, कुछ बच्चों के पास में आगे आफ्टर ग्रेजुएशन अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, लेकिन आप डिफेंस फोर्स को ही क्यों प्रीफर कर रहे हो? इसका एक जवाब आपके पास होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपको अपनी कमजोरियां, अपनी स्ट्रोंग पॉइंट, अपने मजबूत पॉइंट वो जरूर पता होना चाहिए। ये डिपेंड ये कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा कि आप हिंदी में उसका जवाब दे रहे हैं या इंग्लिश में, या आप बाईलैंग्वल भी यूज कर सकते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, क्योंकि पता होता है कि इंग्लिश इज नॉट अवर मदर टंग, है ना। देन आपको अपने वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वर्कआउट करना है। अपने उसके तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप कभी बैठिए, अकेले में बैठिए, शांत बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आपको पता लगेगा कि कहाँ मैं लैग करता हूँ, क्या मेरे वीकनेसेस हैं। कोई और आपके बारे में नहीं बता सकता, आपके पेरेंट्स नहीं बता सकते, आपके टीचर्स नहीं बता सकते, आप जहाँ कोचिंग ले रहे हैं वो आपको इतना नहीं बता पाएंगे आपके वीकनेस पॉइंट क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये चीज आपने खुद अपने ऊपर वर्कआउट करके निकालनी होगी। और दूसरा मैं बताता हूँ, अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि आप श्योर हैं कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो आप अभी अपने आप को रजिस्टर करें चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी, जो चंडीगढ़ में स्थित है। वहां पर आपको पूरे अफसर्स की टीम, एक्स आर्मी ऑफिसर, आर्मी एयरफोर्स नेवी के अफसर्स की टीम आपको पूरा हेल्प करेगी और सपोर्ट करेगी। आपको टिप्स बताएगी कि क्या क्या टिप्स है जो आप एसएसबी फर्स्ट टाइम में, वेरी फर्स्ट टाइम में आप क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज यू मेक यू फिट फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो आपको फिट कर रही है कि आप आर्म फोर्सेस के लिए फिट है, ये इसके ऊपर आप कर सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं आपका स्पोर्ट्स में क्या क्या है, आप फ्रेम आर्मी ये डिफेंस फोर्सेस के बैकग्राउंड से हैं, तो इस तरीके के अगर आपका कुछ बैकग्राउंड है तो वो भी आप उसमें शेयर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफ यू डू नॉट गेट सिलेक्टेड दिस टाइम। अगर आप ये क्वेश्चन भी लगभग आप जितने भी एसएसबी क्रैक कर चुके हैं या जो आर्मी अफसर होंगे या फिर आप जो स्टूडेंट्स
एसएसबी फेस कर चुके हैं उनसे आप पूछिएगा। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या कौन कौन से, अगर आपके इस टाइम पे एसएसबी में सिलेक्ट नहीं होते तो आपके पास में क्या ऑप्शन रहेगा, आप उस फिर अगला आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या रहेगा, उसके ऊपर आपने वर्कआउट करना है। एंड देन नेक्स्ट इज विच वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर हायर सेकेंडरी और प्लस टू, आपके जो हाईएस्ट आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं, कौन सा आपका, अगर आप मैथमेटिक्स बोलते हैं या साइंस बोलते हैं और उसके बारे में आपने अच्छे से उसके जो वही सब्जेक्ट बताइए जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि उसकी आपको नॉलेज एक्चुअल नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसी में से आपसे कुछ एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपसे पुटअप किए जाएंगे। और जैसे मैथमेटिक्स, हु इज योर फादर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, अगर आपका साइंस है तो साइंस से रिलेटेड आप क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा उसको उसके ऊपर गो थ्रू हो जाइएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, डू यू रीड न्यूज़पेपर और व्हाट डू यू रीड, अगर आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स दोनों का एक क्वेश्चन होता है, डू यू रीड मैगजीन्स या डू यू रीड न्यूज़पेपर, कई बच्चों को मैंने देखा है कि अक्सर अपनी हॉबीज में डाल देते हैं रीडिंग बुक्स, लेकिन आपको अगर एक्चुअल में आप बुक्स को रीड नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में आपने कुछ बुक्स को रीड कभी किया नहीं है, तो ये आप यहाँ पर फंस सकते हैं, ठीक है। किस टाइप की बुक्स आप रीड करते हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है, ये सब मैच्योरिटी वाली बातें होती है। आपने अंधेरे में तीर कभी नहीं चलाना, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसकी आपको पता होना चाहिए, उसका पब्लिकेशन कहाँ से हो रहा है, वो उसके एडिटोरियल पेज के कौन कौन के उसके पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं उनके बारे में आपने गो थ्रू होना है, वो किस टाइप की अपने उसमें जो एडिटोरियल पेज है उसमें किस टाइप के व्यूज अपने डालते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कौन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन है, तो इस तरीके से करंट इश्यूज जो चल रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज से रिलेटेड कौन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में, एडिटोरियल पेज और उसकी पब्लिकेशंस, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द जनरल चीफ ऑफ इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी, तो इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी के चीफ्स कौन है, सीडीएस कौन है, वो आपको पता होना चाहिए, सीडीएस का क्या ड्यूटीज है, वो क्या किस तरीके से काम करता है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेज में आप जा रहे हैं तो वो आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि एटलीस्ट आपको उसकी बेसिक नॉलेज तो पता होगी। ये क्वेश्चन तो जो बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करते हैं उनको भी बताया जाता है, और जो डिफेंस फोर्सेज में किसी भी लेवल पे अगर आप जाते हैं तो उनको ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम, क्योंकि सभी के पास में कोई ना कोई सभी स्टूडेंट्स के पास स्पेयर टाइम रहता है, तो वो अपना स्पेयर टाइम में क्या करते हैं वो जानना चाहते हैं कि आप उसको किस वे में अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो, मतलब कितना पॉजिटिव आप अपनी लाइफ के प्रति हो, जितना आप अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव हो गए तो उसी टाइप का आपका सर्कमस्टांसिस बनते हैं, उसी प्रकार के आपका सर्कल बनता है, उसी प्रकार का आपका एनवायरमेंट बनता है, तो इसके ऊपर आपने वर्कआउट करना है। Then the 10th question, question number 10, whom do you love the most, your father or mother and why, आप अपने father और mother को कैसे compare करते हो, उनकी क्या positive points है, father के क्या mother के positive points है, वो आपको पता होना चाहिए, और वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपका मतलब आपके father के साथ या mother के साथ कैसा attraction है, आपकी psychology कैसी है, वो आपके इस question से आपकी psychology के काफी questions क्लियर होते, तो आपके साइकोलॉजिकली टेस्ट करने के लिए पुट अप किया है। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसको ध्यान से देखिएगा, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, क्या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एट लास्ट में वो आपसे ये भी एक आपको मौका देंगे कि आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, किस तरीके का आप क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर पता चलता है कि इस बच्चे की साइकोलॉजी कैसी है। तो ये जो मैंने 11 क्वेश्चंस बताए इनके ऊपर वर्कआउट कीजिए, उनके ऊपर अपना राइटिंग कीजिए, इनके ऊपर इनको क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए ताकि आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एसएसबी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप चंडीगढ़ डिफेंस अकेडमी या फिर आप हमें दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अभी आप अपने अभी से तैयारी स्टार्ट करें सो दैट की 2 महीने का जो हमारे पास में टाइम है, 1.5-2 महीने का टाइम, उसके दौरान हमारी प्रिपरेशन 100% प्रिपरेशन हो सके।
कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।